गाइस, कैसे हो आप सब। और आज पानी ने फिर मेरा जो है एक ट्रिप का कबाड़ा कर दिया, लेकिन एक और अच्छी जगह मैं पहुंच गया। और चलिए मैं आज को दिखाता हूं कोयला का खदान कैसे रहता है, कैसे कोयला निकलता है। मैं हूं कोरबा में अभी हरदी बाज़ार के पास, और यहां ओपन कास्ट है कोयला खदान। चलिए देखिए कैसा है। देखिए जमीन के अंदर कैसे रहता है, कितना सारा कोयला का पूरा एक यहाँ से वहाँ थर है। बाप रे, नीचे बड़े बड़े जो एक्सीवेटर है वो लगे हुए हैं। ओहो, और देखिए ये जो कोयला के नीचे में वो क्या निकल रहा है, चूना पत्थर है शायद। और ये कहाँ से कहाँ तक है, पूरा वहाँ से वहाँ तक फैला हुआ है। और जो धुआं उठ रहा है ना, वो कोयला गर्म होता है अंदर में, इसलिए वो धुआं उठ रहा है। तो भाई साहब, इस तरह से होता है कोयला खदान। आप देखो उधर ना कम कोयला है, उधर बहुत जल्दी मिट्टी मिल जा रही है। और इधर जो हम अभी जहाँ खड़े हैं, इधर ये पूरा कोयला है, पूरा एकदम। तो इसलिए कोरबा को ऊर्जा नगरी कहा जाता है। यहाँ के जमीन के अंदर जहाँ हम खड़े हैं कहना चाहिए, देखिए मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ से आप मुश्किल से 25 या 30 फुट के अंदर पूरा कोयला भरा हुआ है एकदम। और यहाँ से डंपर से पूरा कोयला निकाला जा रहा है। और भाई हमको थोड़ा बच के रहना पड़ेगा, ज़्यादा नज़दीक जाएंगे तो। ओहो, देखिए ये जो दिख रहा है ना, ये पूरा कोयला का थर है। और यहाँ पर कोयला कई प्रकार से निकलता है, एक बड़ा बड़ा कोयला है, एक छोटा छोटा कोयला है, जो बारीक कोयला है। और इधर खुदाई चल ही रही है, वो देखिए वहाँ पे एक एक्सीवेटर लगा हुआ है। मैं और थोड़ा नज़दीक जाकर आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये यहाँ पर है कोयला, ये देखिए यहाँ पर एक्सीवेटर जो है चल ही रहा है। ये देखिए वहां पर, और ये पूरा कोयला का थर है, वहां से गाड़ियां निकल रही हैं और गाड़ियां आ रही हैं। और जितना भी पहाड़ बना हुआ है वो मेन मेड है, इसको खोदने के बाद मिट्टी को एक जगह डालते जाते हैं और उसी कारण से पूरा पूरा पहाड़ बन जाता है।